जी, हमारा जो ये शो है सिलसिला बदलते रिश्तों का, 10 PM कलर्स पे मंडे से शुरू हो रहा है. एंड जो ये शो है बेसिकली रिलेशनशिप्स के बारे में है. और आई वुड लाइक टू से कि ये मॉडर्न टाइम का शो है. आज के टाइम पे जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही काम पर जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर, या स्पेशली जो वाइफ होती है या जो पार्टनर है, वो एक दूसरे पर फिनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है. एक दूसरे के साथ हैं क्योंकि वो साथ रहना चाहते हैं. और जैसा कि आज के सिनेरियो में होता है दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग. और ऐसे टाइम में जैसे आज के टाइम में इशूज़ होते हैं लोगों को, न्यू एज इशूज़ आई वुड से, या न्यू एज रिलेशनशिप चैलेंजेस जो होते हैं, वही हमारे शो में दिखाए जा रहे हैं. और कैसे हर किसी के रिलेशनशिप का फाउंडेशन अलग होता है, बुनियाद अलग होता है. मॉली, माय कैरेक्टर इन द शो इज़ कॉल्ड मॉली, शी इज़ अ डॉक्टर, बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर है, बहुत अच्छी पत्नी है. और कुणाल से जो शक्ति प्ले कर रहे हैं उससे बहुत प्यार करती है, वो भी एक डॉक्टर हैं. पहले ये दोस्त थे, फिर इन्हें प्यार हुआ, इन्होंने शादी करी और बहुत, अब इनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, बहुत खुश हैं अपने रिलेशनशिप में और एक दूसरे को प्रोफेशनली भी बहुत सपोर्ट करते हैं. सो आई थिंक ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जो हमसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. एट द सेम टाइम उनकी ज़िंदगी में हाई एंड लोज आते हैं और उन हाई एंड लोज से उनकी रिलेशनशिप पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उनका रिलेशनशिप बेटर होता है या क्या उनका रिलेशनशिप टूट जाता है या स्ट्रॉन्ग होता है. सो दिस इज़ व्हाट द शो इज़ अबाउट. जी, मैं बहुत खुश हूँ. मैं इनफैक्ट जब मैं छोटी थी, माय डैड इज़ अ डॉक्टर, तो मैं उनका कोट पहन के और स्टेथो लगा के, आई हैव पिक्चर्स आल्सो ऑफ मेरे बचपन के, जो हैव गॉट देम क्लिक्ड इन. आई ऑलवेज थॉट टिल माय क्लास 10th कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी. बट व्हेन आई सॉ माय सिस्टर स्टडिंग, उसकी इतनी मोटी मोटी बुक्स होती थी जिसमें कुछ पिक्चर्स होती थी जिसको देख के मुझे घबराहट होती थी, देन आई डिसाइडेड नो, आई कांट डू दिस, आई कांट सी पीपल इन पेन, मुझे लगता था. तो आई थिंक तभी मैं अच्छा हुआ डॉक्टर नहीं बनी. बट आई थिंक दिस इज़ वन प्रोफेशन आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई थिंक दे आर द पीपल हु डील विद लाइफ एंड डेथ. हम कितना, आई थिंक दैट समथिंग, जब हम डॉक्टर्स इस ऐसी प्रोफेशन है कि जब हम उनके पास जाते हैं ना, हम नहीं सोचते कि वो कौन से रिलीजन के हैं, कौन से कास्ट के. सो आई थिंक बिकॉज दे आर, जब आप when somebody is not well or somebody is in the hospital, the doctor is a god for them. So जी, मैं कहूँगी कि ये बहुत ही relatable किरदार है. So I somehow do relate to Molly. आज की लड़की है जो सब कुछ perfect करना चाहती है, at the same time उसमें काफ़ी सारे shades हैं. तैयारी के हिसाब से तो I'm just following what the writer Gajra ma'am is writing and what our director our director Ravi sir who's directing us, तो मैं उनको ही follow कर रही हूँ. So एक्चुअली हमारी रोज़ शूटिंग हो रही है ना, हम लोग का बहुत सारा ना, मतलब हमारा मंडे टेलीकास्ट भी कंप्लीट नहीं है. सो इट्स लाइक वी आर रनिंग बिहाइंड द टाइम. सो आई थिंक मोर देन एनी फीलिंग अब बस यही है कि मतलब टेलीकास्ट अच्छे से हम पूरा करें एंड लोग हमारे शुरू के एपिसोड्स देखें और उसे ग्लूड अप हो जाएं, उन्हें बहुत अच्छा लगे. सो बस यही एम है एंड डेफिनेटली वी आर, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द शो. जी, बहुत अच्छा रहा और हमने शुरुआत की थी गोवा से, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था हमारे प्रोड्यूसर्स का और चैनल का कि इनको गोवा ले जाते हैं शुरू में. एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड हमने बहुत ओवर टाइम भी शूट किया, पर उसके बीच में भी वी ऑल कनेक्टेड सो वेल, फोर ऑफ अस. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव सच अ नाइस टीम टू वर्क विथ, बिकॉज आई थिंक टेलीविजन में, बिकॉज यू हैव टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, so it's really important that you really gel well and it shows on camera if you don't. So yeah, I'm really excited about it. सबको ये बोलना चाहूँगी कि 4 जून से, मंडे से, 10 PM स्लॉट पे, कलर्स पे हमारा शो आ रहा है सिलसिला बदलते रिश्तों का, जो कि एक रिलेशनशिप ड्रामा है. सो आप प्लीज़ उसे देखें. हमने बहुत कोशिश की है कि हम उसे जितना रियलिस्टिक हो सके, जितना रिलेटेबल हो सके, हमने वैसे शूट करने की कोशिश भी की है. एंड आई होप यू विल लाइक इट. आप शुरू के कुछ एपिसोड्स हम सबके कहने पर ज़रूर देखें, बाद में यू विल डेफिनेटली गेट ग्लूड टू इट. थैंक यू.